तो हेलो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन में यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और आप अपने फ़ोन में इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से फ़ोन में आपको वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट अभी भी मिलेगा। अब खुद से पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट करता है कि नहीं करता। बाय द वे, मैं आपको यहाँ पर कॉल को लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कॉल की क्वालिटी भी क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ्रेंड को कॉल लगाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव, और इसका कॉल का क्वालिटी क्या आप आराम से देख सकते हैं। हेलो। हाँ, क्या कॉल की क्वालिटी अच्छी आ रही है? हाँ हाँ सही है। वाईफाई से कॉल कर रहा हूँ मैं, वाह, चेक कर रहा हूँ वाईफाई से। वाह भाई वाह। मतलब एक यहाँ पर दोस्त का मिला रोटर, तो देखता हूँ कि मतलब सच में ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही तो आ रहा है बात। यहाँ पर जैसे मैं इस कॉल को कट करूंगा, तो कट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप कैसे इसको एनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई का एक सिंगल आपको देखने को मिल जाता है। तो आप कैसे इसको एनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपका कौन सा भी फ़ोन है, जो भी फ़ोन है, आप उसको कैसे पता कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपको किसी प्रकार का डाउट यहाँ पर ना रहे। तो चलो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबा कर उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल पे क्लिक कर देना घंटी वाले बटन को। उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दो। लाइक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर एक कमेंट करना कि आप कौन सा फ़ोन यूज करते हो, नोकिया सैमसंग, ताकि मैं उस फ़ोन के लिए मैं आपको इस तरह के सेटिंग में आपको बता पाऊँ। तो इस सेटिंग को सबसे पहले एनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे आपका ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हो शायद आपको ऊपर में मिल जाएगा। अगर आप किसी दूसरे फ़ोन का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना, आपको कनेक्शन सेटिंग में आपको मिल जाएगा, या तो यहाँ पर आपको कॉल सेटिंग, दोनों में से किसी एक में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको यह एक्टिवेट हो जाता है। बाय द वे, अगर आपको यहाँ पर ना मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मोर कनेक्शन करके सेटिंग में, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है शायद आपके फोन में यहां पर हो सकता है। ये दो जगह पर आपको हो सकता है। अब रही बात, आप कैसे पता करेंगे कि आपके फोन में ये वाईफाई कॉलिंग वाला ऑप्शन काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऑफिशियल पेज मिल जाएगा जियो का, जो जियो का वेबसाइट है। सिंपली आपको नीचे नीचे आना है, और नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है आपका फ़ोन का कौन से मॉडल है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना का। उसके बाद यहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं से कर सकते, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर मैं ब्रांड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और ब्रांड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा सैमसंग है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल, यहाँ पर आपको सैमसंग में कितने मॉडल यहाँ पर यह वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करता है, ये सारे मॉडल देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा यहाँ पर सैमसंग का ऑन 7 प्रो, तो ये भी यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो भी फ़ोन है सिंपली यहाँ पर सैमसंग, यहाँ पर नोकिया, यहाँ पर जो भी सिम है, यहाँ पर आप अपने मॉडल को सिलेक्ट करके और नीचे यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कौन कौन सा फ़ोन यहाँ पर आपको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह मैं नए नए टॉपिक्स, नए नए जानकारी आप लोगों के साथ मैं डेली शेयर करता रहता हूँ, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।